हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर की कढ़ी। सर्दियों में ये गर्मा गर्म कढ़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो आइए, सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई रख देते हैं, गैस की फ्लेम ऑन करते हैं और इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून ऑयल, सरसों का तेल थोड़ा ही डालना है हमें। अब इसको अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद डालेंगे इसमें हम गाजर। तो आइए, ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये हमने लिया है मेथी दाना, ये हम डालेंगे 1/2 टीस्पून इसमें। इसको अच्छे से भून जाने देंगे। तो हम जब तक भूनेंगे इसमें से अच्छी सी स्मेल आने लग जाए मेथी दाना। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग। अभी हमने गाजर ले लिए हैं, ये वेट में 500 ग्राम है गाजर, आधा किलो। तो इसको अब हम इसमें डाल देंगे। ये कढ़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में और बनती भी बहुत जल्दी है। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नमक, करीब 1/2 टीस्पून इसमें हम नमक डाल देंगे, जिससे कि हमारी गाजर जो है वो थोड़ी सी गल जाए। और इसको फिर हम ढक देंगे, अच्छे से नमक को मिक्स करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे, जिससे ये पक जाए। अभी इस स्टेज पर हम इसमें और कुछ नहीं डालेंगे। तो इसको हमने ढक दिया है, ये जब तक पकती है तब तक हम अपना जब तक ये गाजर हो रही है तब तक मैंने ये बेसन ले लिया है, इसका हम घोल तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर हम ये मैंने लिया है 3 टेबल स्पून बेसन। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी वन टीस्पून हमारी हल्दी, हाफ टी स्पून लाल मिर्च। और 1 टी स्पून नमक, 1/2 टी स्पून हमने इसमें भी डाल दिया था गाजर में भी, और 1 टी स्पून इसमें हमने इसमें डाल दिया बेसन के घोल में। अभी इस घोल को हम बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको फेंट लेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे जिससे कि बेसन में गांठें ना पड़ जाएं। पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लेंगे, उसके बाद इसमें पानी और डाल देंगे। और ये हमने ले लिया है करीब 250 ग्राम दही, इसको भी हम अच्छे से विस्कर से फेंट लेंगे। उसके बाद इन दोनों को, बेसन को और दही को, हम मिक्स कर लेंगे आपस में। और फिर जब ये गाजर पक जाएगी तो इसके अंदर हम डाल देंगे। अब इस दही को भी हम अच्छे से फेंट लेंगे और हमें ये बेसन है, ये दही, इसको हम आपस में मिक्स कर देंगे, इसी में डाल देंगे ये बेसन हमारा फिटा हुआ, और इसको हम अच्छे से विस्कर से फेंट लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि ये सारा बेसन अच्छे से छूट जाए, इसी में चला जाए।
ये देखिए कि बेसन सारा हमने इस दही में ही मिक्स कर लिया है। इसको हम अच्छे से फेंट के रखेंगे, जैसे ही हमारी गाजर कुक हो जाती है वैसे ही हम इसमें डाल देंगे। चलिए तब हम इसको चेक कर लेते हैं, करीब इसको 5 से 10 मिनट हो गए हैं पकते पकते, तो हम अपनी गाजर को चेक करेंगे। उसके बाद जो हमने घोल बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। तो गाजर हमारी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है, मतलब अच्छी सी रखनी है, क्योंकि ये बाद में घोल के साथ भी पकेंगी। तो ठीक है, अब गाजर हमारी हो गई है, जिसमें हम डाल देते हैं ये अपना प्रिपेयर करा हुआ घोल, जिसमें दही, बेसन, हल्दी, नमक और मिर्च हमने डाला था। और इसको डालकर हम चलाते रहेंगे। अब इसको हम मीडियम सिम गैस पर करीब 15 से 20 मिनट पका लेंगे और हमारी कढ़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो ठीक है, वेट करते हैं, 15 से 20 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कढ़ी को पकते पकते करीब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए इसमें ऊपर ऊपर मलाई भी आ गई है और इसको मैं बीच बीच में चलाती भी रही थी। तो अभी हमारी कढ़ी बनके तैयार हो गई है, अब इसमें हम छौंक लगाते हैं। तो इसको हम शिफ्ट कर देते हैं इस तरफ। और ये हम छौंक लगाने के लिए अपना पैन रखते हैं। इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, इसको गर्म होने देते हैं। तो ये छौंक लगाने के लिए हमने सामान लिया है, ये कुछ करी पत्ते हैं, एक लाल मिर्च है, इसको हम टुकड़ों में कर लेंगे, 1/4 टीस्पून अजवाइन है और थोड़ी सी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और हींग, इन सबका हम छौंक लगाएंगे अपने कढ़ी में। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं अजवाइन, तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें 2 पिंच डालेंगे हम हींग, और इसमें डालेंगे हम ये लाल मिर्च टुकड़ों में करके, और ये अपने करी पत्ते हम इसको तोड़ के डाल देंगे। अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। गैस हम कर देंगे बंद और इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। और ये छौंक हमारा तैयार है, इसको हम अपनी कढ़ी में डाल देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी गाजर की कढ़ी तैयार हो चुकी है। इसको आप चावल, रोटी, नान किसी के साथ भी खा सकते हैं।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल कुकिंग फीस्ट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।